चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको आना होगा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो कि है nsdl.com। ठीक है, यहाँ पर आप आ जाना। ये है आपकी enps.nsdl.com। ठीक है, ये है enps.nsdl.com, इस पर आना है। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है लॉग इन विद प्रान और पिन। ठीक है, दिख रहा होगा नीचे लॉग इन विद प्रान पिन, इस पर क्लिक करना है। चलिए, इसके बाद देखिए आपके सामने ये वाला पेज खुल जाएगा। यहाँ पर आपको इस वाले बॉक्स में अपना लॉग इन आईडी और पासवर्ड डाल देना है। लॉग इन आईडी का मतलब है आपका प्रान नंबर, PRAN नंबर जो आपको मिला है, वो नंबर आपको यहाँ पर डालना होगा लॉग इन आईडी में, यूज़र आईडी में। और पासवर्ड जो आपने बनाया था वो यहाँ पर डाल देना। अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हो तो पासवर्ड को रिसेट कर सकते हो यहाँ पर क्लिक करके। ठीक है, इसके बाद कैप्चा कोड, इसके बाद सबमिट पर क्लिक करना है। चलिए ये सारा काम हम कर लेते हैं। इसके बाद देखिए आप पहुंच जाओगे इस पेज पर। ठीक है, यहाँ पर हमारा देखिए लॉगिन हो चुका है और यहाँ पर हमारा जो प्रान नंबर है वो लिखा रहा होगा वेलकम। ठीक है, अब क्या करना है आपको, अब आपको यहाँ पर क्लिक करना है ट्रांजैक्ट ऑनलाइन, दिख रहा होगा आपको यहाँ पर ट्रांजैक्ट ऑनलाइन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, चलिए क्लिक कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा कंट्रीब्यूट ऑनलाइन, दिख रहा है कंट्रीब्यूट ऑनलाइन सबसे ऊपर है इस वाले फ्रंट पे। ठीक है, इस पर क्लिक करना है आपको। चलिए क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर सिंपली प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। चलिए क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपके सामने ये वाला पेज खुलेगा, जहाँ पर आपका जो प्रान नंबर है वो लिखा रहा होगा, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आ रही होगी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर इस पर सेलेक्ट होगा, इस पर आप रहने दीजिए सेलेक्ट। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको SMS और ईमेल आईडी में से एक को चुनना होगा OTP के लिए। ठीक है, अगर आप ईमेल पर चाहते हो तो ईमेल पर सेलेक्ट कर देना, अगर आप SMS पर चाहते हो तो SMS पर सेलेक्ट कर देना। ठीक है, इसके बाद कैप्चा कोड और यहाँ पर वेरीफाई प्रान, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, अब क्या होगा, अब आपने जो भी चुना था, जैसे मैंने मान लो SMS चुना है, तो मेरे जो नंबर है, जो मेरा रजिस्टर्ड नंबर है NPS में, उस नंबर पर एक OTP आएगा। ठीक है, उस OTP को आपको सिंपली यहाँ पर डाल देना है और उसके बाद सबमिट OTP, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, अगर OTP नहीं आता है तो आप दोबारा से OTP मंगा सकते हो रीजनरेट OTP पर क्लिक करके। ठीक है, चलिए सबमिट OTP पर क्लिक करते हैं। OTP डालने के बाद इसके बाद देखिए हम पहुंच जाएंगे अपने पेमेंट वाले सेक्शन पर। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप देख लीजिए कि मेरे केस में सिर्फ टायर वन लिखा हुआ है, क्योंकि मेरे पास सिर्फ टायर वन अकाउंट है। अगर आपने टायर वन और टायर टू दोनों ही अकाउंट खुलवाए थे तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा कि आपको किस अकाउंट में पैसे जमा करने हैं। ठीक है, तो मेरे केस में एक ही है तो मैंने यहाँ पर टायर वन पर सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, टायर वन पे। इसके बाद यहाँ पर आपको अमाउंट डालना है कि कितने पैसे आपको जमा करने हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ डाल लिया 500 रुपये, आपकी मर्जी है आप कितने भी डाल सकते हो, मैंने यहाँ पर 500 रुपये डाल दिया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना है सिंपली। चलिए क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर एक बार अपने जो डिटेल है उसको वेरीफाई करना होगा। आप प्रान नंबर देख लीजिए, नाम देख लीजिए, और जो अमाउंट है जो आप जमा करने वाले हो वो एक बार चेक कर लीजिए कितना है। ठीक है, तो 500 रुपये सही है। ठीक है, अब सिंपली ओके पर क्लिक करना है। चलिए क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको प्रोसीड पर क्लिक करना होगा यहाँ पर, और ऊपर देख लीजिए हिंदी और इंग्लिश दोनों ही आप सेलेक्ट कर सकते हो। मतलब कि जो आगे पेज आएगा उसमें हिंदी आएगी अगर आप हिंदी करोगे, अगर इंग्लिश करोगे तो इंग्लिश आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप इंग्लिश ही रहने दें, अच्छा रहेगा। इसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करना है। चलिए क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पर पेमेंट करनी होगी। पेमेंट करने के बहुत तरीके हैं, चाहे डेबिट कार्ड, चाहे नेट इंटरनेट बैंकिंग, चाहे UPI, चाहे क्रेडिट कार्ड, चाहे कोई और डेबिट कार्ड हो, या फिर आप डायरेक्ट QR स्कैनर के थ्रू कर सकते हो। ठीक है, तो ये सबसे आसान रहता है। यहाँ पर आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए आपके सामने जो ये वाला पेज खुल जाएगा।
यहाँ पर आपको सिंपली इस वाले स्कैन जो QR है उसको स्कैन करना होगा, चाहे आप पेटीएम चलाते हो, चाहे आप गूगल पे चलाते हो, चाहे आप फोन पे चलाते हो, चाहे भीम UPI चलाते हो, किसी के थ्रू आप डायरेक्ट इसको स्कैन कर देना और आपकी जो पेमेंट है वो आसानी से यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, देखिए पेमेंट हो रही है। अब देखिए दोस्तों, हमारा जो पेमेंट है वो हो चुका है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जो हमारे स्टेटस है यहाँ पर ट्रांजेक्शन की, वो है सक्सेसफुल। ठीक है, पेमेंट हमारी हो चुकी है, 500 रुपये की पेमेंट हुई है हमारी, यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, अब आप इस स्लिप को यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो, सेव प्रिंट एप्लीकेशन। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर आपका सारा काम खत्म हो गया। ठीक है, अब आप चेक कैसे करोगे कि आपकी जो पेमेंट है वो हुई है कि नहीं हुई है, उसको चेक करने के लिए क्या करना है, सिंपली यहाँ पर आपको वापस से यहीं पर आना है होम पेज में, अपने डैशबोर्ड में, और इस बार आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट समरी के नीचे लिख रहा होगा ट्रांजेक्शन स्टेटमेंट, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, चलिए क्लिक कर लेते हैं। और यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर अपनी डिटेल वेरीफाई करनी होगी और सिंपली जो ईयर आपको सेलेक्ट करना है कि किस ईयर के आपको स्टेटमेंट चाहिए, इसके बाद ऑल कर देना। इसके बाद जो अकाउंट है आपका वो सेलेक्ट कर देना, उसके बाद जनरेट स्टेटमेंट पर क्लिक करना है। चलिए ये काम कर लेते हैं फटाफट। इसके बाद देखिए, आपके सामने ही स्टेटमेंट आपकी खुल जाएगी। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर देख लीजिए कि मैंने 2 तारीख को, 2 तारीख यानी आज के दिन मैंने कंट्रीब्यूट किया था कितना, 500 रुपये। ठीक है, एक ट्रांजेक्शन की थी, मतलब मैंने एक बार ही पैसे दिए थे। ठीक है दोस्तों, अब 500 रुपये से मैं 500 में से 449 रुपये जमा हो गए मेरे अकाउंट में, बाकी जो है वो लग चुके हैं इनमें। देखिए, वो वैल्यू फॉर होल्डिंग एज ऑन, सॉरी सॉरी दोस्तों सॉरी, इसका मतलब ये है कि पहले मेरे 449 रुपये लगे हुए थे इसमें, और अब मैंने यहाँ पर 500 रुपये और लगा दिए हैं। ठीक है, यहाँ पर आप अपनी जो डेट है वो देख लेना कि 2 मई को जिस दिन आपने ये पैसे जमा किए हैं वो डेट यहाँ पर आ रही है कि नहीं आ रही। ठीक है, अगर डेट आ रही है तो इसका मतलब आपके पैसे जमा हो गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये था पूरा प्रोसेस पैसे जमा करने का ऑनलाइन NPS अकाउंट में। आई होप आपको ये पूरा प्रोसेस समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कहीं दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ आप यार कमेंट कर देना, आप मुझे व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। इसके अलावा अगर कुछ और भी आपको पूछना है तो उस पर एक मैं डेडिकेटेड वीडियो बना सकता हूँ, आप कमेंट में लिख देना कि मैं वीडियो बनाऊँ किस पर। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।